सोनम कपूर अक्सर अपने पति यानी आनंद आहूजा के साथ फोटो शेयर करती हैं। आनंद आहूजा को लोग भले ही सोनम के पति के रूप में जानते होंगे, लेकिन वो एक सफल बिजनेसमैन हैं। अब हाल ही में आनंद को लेकर एक खबर आ रही है कि उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सोनम कपूर के पति आनंद आहूजा ने जनवरी 2022 में एक इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी को उनकी कस्टमर सर्विस के खिलाफ ट्वीट किया था। ये खबर है कि उस कंपनी में आनंद को इनवॉइस के साथ कथित छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया। बाद में इस इनवॉइस का इस्तेमाल करके कोई भी टैक्स और कस्टम ड्यूटी देने से बच सकता है। कंपनी ने ट्वीट करके लिखा कि समस्या उनकी सर्विस में नहीं थी, बल्कि आनंद द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स में थी। अब कंपनी ने दावा किया है कि आनंद द्वारा शेयर किए गए इनवॉइस का दाम उनके द्वारा भेजे गए प्रोडक्ट के भुगतान की तुलना में 90% कम था। ट्वीट में कहा गया कि इनवॉइस में छेड़छाड़ की गई, जिस वजह से प्रोडक्ट के दाम के लिए जो पेमेंट की गई उसमें 90% कम अमाउंट मेंशन है, जबकि हमारी पॉलिसी ये है कि सभी कस्टमर की समस्या को पूरी तरह सॉल्व किया जाए, ये हमारी ड्यूटी है। दरअसल आनंद आहूजा ने 27 जनवरी को एक ट्वीट किया और लिखा कि क्या कोई MYUS शॉपहोलिक के बारे में जानता है, मेरा तो बहुत खराब अनुभव रहा है। यह तो एक सामान को बहुत गलत तरीके से हैंडल करते हैं, फॉर्मल पेपर वर्क को रिजेक्ट कर देते हैं और बिना कारण बताए मना भी कर देते हैं। इस पर कंपनी का जनरेटेड ट्वीट जवाब के तौर पर आया और उन्होंने असुविधा पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगी और कस्टमर सर्विस का इस्तेमाल करने की सलाह दी, साथ ही प्रोडक्ट पैकेजिंग को लेकर भी माफ़ी मांगी। जी हाँ, तो इस तरह से अब खबर सामने आ रही है कि आनंद आहूजा को लेकर उन पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।